हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोग गए थे लेस्टर के गारमेंट फैक्ट्री में, जहाँ पे हम लोग का ट्रेवर वेट कर रहा था। और ट्रेवर को लेके हम लोग निकले डेविन के घर पे, और डेविन के घर पे इतनी तगड़ी सिक्योरिटी लगी हुई थी। तो हम लोग गए तो थे डर डर के, पर डेविन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। और उसने बोला कि उसका जो कॉनेसेक अगैरह का जो पैसा बाकी है, मतलब जो कॉनेसेक अगैरह का अमाउंट है, वो उसको वापस चाहिए। और उसके साथ साथ वो जो भी काम बोलेगा वो सब हम लोग को उसको करके देना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद हम लोग निकले लेस्टर के पास, और लेस्टर ने बोला कि एक बार मार्टिन मद्रासो से भी जाके बात कर लेना। तो मार्टिन मद्रासो के पास मैं अकेले गया बात करने को, तो मार्टिन मद्रासो तो पूरी तरह से हाथ ऊपर कर लिया और बोल दिया कि भाई मैं इसमें नहीं पढ़ रहा और मैं कुछ पैसे नहीं देना रहा, क्योंकि पिछले बार हम लोग ने उससे पैसे लिए थे कॉनेसेक अगैरह के लिए, बट वो बहुत ही कम पैसा था। और फिर भी मार्टिन मद्रासो बोलता है कि मैं एक भी रुपया नहीं देने वाला हूँ इस चीज़ के लिए। तो इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो गया, और लेस्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया मार्टिन के ऊपर। तो इस रीज़न की वजह से लेस्टर ने एक प्लान बनाया मार्टिन का डायमंड कैसीनो में जाके चोरी करना, जिसके लिए अभी हम लोग को जाना है। और मैं घर पर आया था कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि हम लोग का पूरा शक्ल छुप जाना चाहिए, क्योंकि मार्टिन मद्रासो को माइकल कौन है वो तो मालूम है, बट उसको नहीं मालूम कि फ्रैंकलिन ट्रेवर वो लोग सब लोग हम लोग के साथ ही है, मतलब वो लोग का चेहरा नहीं पहचानता। तो अभी हम लोग को जाना है लेस्टर के गारमेंट फैक्ट्री में, जहाँ पे हमारा फ्रैंकलिन ट्रेवर सब वेट कर रहे हैं। और शायद लेस्टर ने बहुत सारे गाड़ियाँ भी अरेंज करके रखा है, क्योंकि हम लोग को हाइस करना है। अगर नहीं किया रहेगा तो हम लोग को जाके कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, लेस्टर हम लोग को कोऑर्डिनेट से देगा, तो उसके हिसाब से हम लोग को जगह जगह जाके कार्स कलेक्ट करने हैं। और वो कार्स होंगे मस्टैंग के ऐसा मसल कार्स, तो वो कार्स हम लोग को कलेक्ट करने जाने पड़ेंगे। शायद लेस्टर ने तो बोला कि अगर अरेंज हो गया तो सही है, नहीं तो मैं तुमको बोल दूंगा। तो अभी तक तो उसने कुछ बोला नहीं अभी, बट मुझे लेस्टर का जो गारमेंट फैक्ट्री वहाँ पर जाके ही मालूम पड़ेगा। बट उसने बोला कि फ्रैंकलिन और ट्रेवर को बुला लिया है, तो वो लोग तो आ ही गए रहेंगे। अगर उससे अरेंज नहीं हो पाया तो फिर हम लोग को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि माइकल इस सब चीज़ में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, और देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं लेस्टर के गारमेंट फैक्ट्री पर, जहाँ पे हम लोग को वो सब बताएगा कि अगर कार चोरी करना है या नहीं करना है। तो जल्दी जल्दी मैं जाता हूँ लेस्टर के गारमेंट फैक्ट्री में, और आपको वहाँ पे मैं मिलता हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग भगाते हुए आगे लेस्टर के वेयर हाउस में, मतलब गारमेंट फैक्ट्री में। तो अभी हम लोग ऊपर जाते हैं, और मुझे ना ही फ्रैंकलिन का गाड़ी दिख रहा है ना ही ट्रेवर का गाड़ी दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता फ्रैंकलिन या ट्रेवर दोनों भी आए हैं। तो लेट्स सी क्या सीन है। अभी मैं जाता हूँ ऊपर। वैसे मैं कपड़ा तो पहन के आ गया, अगर कार चोरी करना रहता तो मैं पहले ही कपड़ा नहीं बदलता था। तो लेट्स सी क्या सीन है। ओके गाइस, तो मेरा लेस्टर से बात हो चुका है, तो वो बोल रहा है कि कार का जो अरेंजमेंट था वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो जिस जिसको उसने बुलाया वो लोग अभी तक आए तो नहीं। तो लेस्टर चाहता है कि हम लोग उसके लिए जो कार्स है वो अरेंज करके दे। तो इसके लिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही करके दे देता हूँ। तो लेस्टर बोला कि मैं कोऑर्डिनेट्स भेजता हूँ, तो उसके हिसाब से हम लोग को जाके मसल कार कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, लेस्टर ने बोला कि मैं मैसेज भेजूंगा या फिर कॉल करके बताऊंगा। तो लेट्स सी क्या सीन है। ओके गाइस, तो मेरा लेस्टर से बात हो चुकी है, और उसने मेरे को एक कोऑर्डिनेट तो बताया। अभी होपफुली मुझे वो लोकेशन मालूम होना चाहिए। उसने बोला कि एक क्लब के पास वो एक खंडर के ऐसा जगह, मतलब ब्रिज के नीचे का एक जगह है। तो लेट्स सी, मुझे लगता है कि ब्रिज के पास एक ही एक क्लब है, और वो शायद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे आता है। तो अभी मैं देखता हूँ कहाँ पर है। तो वैसे यहाँ पे भी नहीं है अभी वो क्लब। अभी लेट्स सी। ओके, तो मेरे को लोकेशन तो मिल गया एक क्लब का, तो अभी जाते हैं क्लब के पास, देखते हैं कि कहाँ पे जगह है वैसा। तो एक्चुअली मैं कभी आया नहीं हूँ यहाँ पे, तो मुझे आइडिया भी नहीं है। तो लेट्स सी, मुझे लगता है ये जो ब्रिज है इसके नीचे ही होना चाहिए, बट कहाँ पे है वो अभी आइडिया नहीं। तो क्योंकि बहुत बड़ा ही जगह है ना, तो एक काम करता हूँ, मेरा जो कार है ना, ये जो अपना क्लब का पार्किंग है वहाँ पे रखता हूँ, ताकि ना वहाँ पे ना ये जो कार है सेफ रहेगा। और हम लोग जाते हैं अंदर भागते हुए, और देखते हैं कि भाई कहाँ पे ये कार। वैसे यहाँ पे कार तो है, बट बहुत ज़्यादा ही जली हुई कार है, मतलब ये सब काम तो नहीं आने वाला है। और ये जो जगह मेरे को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, मतलब इससे बंदों के बीच में कहाँ पे हम लोग को मसल कार मिलेगा अभी मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। शायद ये जो पार्किंग है यहाँ पे है क्या, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे। तो लेट्स सी कहाँ पे। ओके, तो मुझे एक मसल कार दिख रहा है, और शायद यही है।
और वैसे ऐसी जगह पे मसल कार रखता कौन है अकेले पे? मुझे लगता है ये लोग जो इधर बैठे ये लोग का कार है क्या? ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ये मसल कार है और बहुत ज़्यादा तगड़ी है, मतलब इसको पुलिस या कोई भी कुछ भी मतलब सिक्योरिटी भी डैमेज करे तो कुछ होता नहीं है इसमें, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो अभी हम लोग जाते हैं और ये जो कार है अभी लश्कर के कार्बन फैक्ट्री के पास ही ड्रॉप कर देते हैं ताकि हम लोग सब लोग वहाँ से एक साथ ही निकल सकते हैं, राइट। तो फटाफट भगा के जाता हूँ लश्कर के कार्बन फैक्ट्री में, और मैं एक काम कर लेता हूँ, फ्रैंकलिन अगर आया रहेगा तो उसको पिटा के इधर वापस लेके आता हूँ ताकि हम लोग का जो कार है वो लेके आ सकते वापस। तो देखते हैं अभी क्या सीन है, मैं बोलूँगा फ्रैंकलिन को अपना कार लेके आने को ताकि हम लोग उसके कार में जा सके। अभी हम लोग जाते लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री में और शायद यहाँ से जल्दी जा सकते लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री में। मेरे को वो ब्रिज जाना था बट मैं शायद गलत टर्न ले लिया, बट कोई नहीं, अभी हम लोग फटाफट भगाते हुए जाते हैं लेस्टर के गारमेंट फैक्ट्री में। ओके गाइस, तो मैं ऑलमोस्ट भगाते हुए पहुंच गया लेस्टर के गारमेंट फैक्ट्री में, बट मुझे कोई हेल्प के लिए बुला रहे तो मैं जाके देखता हूँ। ये होपफुली पिछले बार के वैसा ना हो, क्योंकि पिछले बार हम लोग आए थे तो हम लोग को रॉब करने का कोशिश किया था, और ये मुझे जेन्युइन लग रही है क्योंकि ये बुढ़ी औरत लग रही है और ओल्ड एज वुमेन को हम लोग हेल्प करने चाहिए, तो हम लोग जाते हैं इसके साथ। क्या सीन है समझ में नहीं आ रहा, वो जो बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, वो भाई साहब गन निकाल दीजिए तो, और हम लोग ये लोग मारते, और ये लोग अचानक से सब गन कैसे निकाल के आ जाते हैं, और ये लोग रॉब करने का कोशिश कितना अच्छे से करते हैं ना, मतलब हम लोग हेल्प करने का सोचते और ये लोग रॉब कर लेते अपने आप को। तो वो भाई साहब ये लोग ना सुधरेंगे नहीं, मतलब हम लोग ये लोग को हेल्प करने के लिए आया और ये लोग ने हम लोग को ही धोखा दे दिया। अभी मेरा मसल कार यहाँ से गायब नहीं होना चाहिए होपफुली। ओके तो कार तो सेफ है क्योंकि हम लोग को ये लिमिटेड कार्स है और लेस्टर को मालूम है इसका कोऑर्डिनेट्स, ये ज़्यादा जल्दी मिलता नहीं है, तो होपफुली हम लोग का कार बच तो गया है। तो अभी हम लोग जाते कार को ड्रॉप करते हैं लेस्टर के वेयर हाउस के पास और वेट करते हैं फ्रैंकलिन का। फ्रैंकलिन जैसे ही आता है उसके बाद उसके कार में हम लोग बैठ के निकलते हैं एक और कार की लोकेशन पे, तो लेट्स सी क्या सीन है। ओके गाइस, तो हम लोग फ्रैंकलिन का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, बट पता नहीं अभी तक आया नहीं, उसका कॉल तो आया था लेस्टर को कि आ जाएगा। ओके तो फ्रैंकलिन भी आ चुका है, तो हम लोग जाते हैं फ्रैंकलिन के साथ अभी कार लेने को, और फ्रैंकलिन को बोला तो था कि उसका भी कार लेके आ जाओ, भाई सामने से तो हट जा अगर आ रहा है तो साथ में। तो चलो हम लोग जाते हैं फ्रैंकलिन के कार में बैठते हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोग को लेस्टर बताएगा। वैसे वो हैकर जो उसकी दोस्त है पेज, वो सेटिंग कर रही है कि कहाँ से मिले, तो लेट्स सी। एक काम करता हूँ, मैं वेट करता हूँ बारिश बंद होने का, बारिश में जाने का बहुत टफ है, मतलब मज़ा नहीं आता, तो वेट करते बारिश रुकने का, तब तक हम लोग को कॉल भी आ जाएगा लेस्टर का, फिर उसके बाद बैठते हैं फ्रैंकलिन के गाड़ी में और निकलते हैं दूसरी कार के लिए। ओके गाइस, तो हम लोग भी जाते हैं फ्रैंकलिन के कार में बैठते हैं और बारिश भी रुक गया है, वैसे पानी पानी तो है अभी भी फिलहाल थोड़ा बहुत, बट कोई नहीं, अभी हम लोग बैठते हैं फ्रैंकलिन के कार में। लेस्टर ने मेरे को एक कोऑर्डिनेट तो दे दिया है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे है वो, तो अभी मैं फ्रैंकलिन को भी वो कोऑर्डिनेट दिखाता हूँ एंड फिर हम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो मैं जहाँ जैसे ही करीब पहुँचूंगा तभी आपसे मिलता हूँ वहाँ पे। ओके गाइस, तो मैं भगाते हुए आ गया ऑलमोस्ट वो लोकेशन पे, और उसने बोला कि ये जो हम लोग पहाड़ चढ़ेंगे तो यहाँ भी कोई तो घर पे पार्क किया रहेगा कार, तो लेट्स सी। यहाँ पे तो फिलहाल कोई कार नहीं दिख रहा, और वहाँ पे तो कार है बट पता नहीं कौन सा कार है, तो एक काम करते हम लोग यू टर्न मारते हैं। वैसे यहाँ पे भी एक मसल कार है, बट आई गेस ये वाले लोकेशन में बहुत सारी मसल कार्स हैं। कोई नहीं, अभी हम लोग को यहाँ पे दो कार दिखा तो है, तो लेट्स सी कौन सा कार है उसमें से। यहाँ पे मैं पार्क कर देता हूँ, और वो जो फर्स्ट कार है वो तो नहीं है, और ये सेकेंड कार, हाँ सेकेंड कार वही है। तो यहाँ पे इसके ऊपर स्ट्राइप नहीं था तो समझ में नहीं आया, वैसे तो वही कार है ये। ओके तो ये कार लेके मैं निकलता हूँ लेस्टर के वेयर हाउस में, मतलब उसके गार्बन फैक्ट्री में, और फ्रैंकलिन को भी बोलता हूँ मेरे साथ फॉलो करने को, तो चलो निकलते हैं। ओके गैस, तो मैं भगाते हुए आ गया हूँ लेस्टर के गार्बन फैक्ट्री में, और फ्रैंकलिन अभी तक तो फिलहाल आया नहीं है हम लोग के पीछे भी, शायद हम लोग बहुत ज़्यादा ही फास्ट भगाते हुए हैं। तो ये जो कार है इसको यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, तो हम लोग यार दो कार तो हो गई है, अभी हम लोग को ट्रक्स लेके आने हैं, बट शायद वो ट्रेवर और जो बंदा है वो लेके आने वाले हैं, और फ्रैंकलिन अभी तक नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा क्यों। ठीक है, तो हम लोग ऑफिस में जाते, सबका वेट करते और फिर हम लोग निकलते हैं हाइस्ट के लिए। ओके गाइस, तो लेसर के जो कार्बन फैक्ट्री में सब लोग आ चुके हैं, उसके ऑफिस में सब डिस्कशन हुआ, अभी सबको समझा दिया कि क्या करना है, और अभी हम लोग जाएंगे हाइस्ट करने के लिए, तो सब लोग नीचे पहुँचेंगे फटफट। तो लेसर लोग को शायद कपड़ा देने वाला नहीं देने वाला वो नहीं मालूम, वैसे लेट्स सी क्या होता है, बट
यहाँ पे जो ट्रक्स है वो भी आ चुके हैं। लेस्टर ने ट्रेवर और हॉन्ग करके जो बंदा हम लोग के साथ, उसको बोल के ये जो ट्रक्स है दोनों को मंगा लिया यहाँ पे। और लेस्टर सोच समझ के ही ट्रक्स मंगाया। वैसे ये जो लॉजर लाइट्स है, मतलब लाइट्स ऑब्वियसली क्लब्स में चाहिए रहते और कसिनो में तो कन्फर्म चाहिए रहते, तो वैसा एक ट्रक मंगाया और एक एक कोला का मंगाया जो ऑब्वियसली ड्रिंक्स विंक्स लगते ही है वहाँ पे। तो ऐसे ट्रक्स मंगाए जैसे हम लोग नॉर्मली अंदर जाते। तो इसको मोस्टली इसको बोला है कि पार्किंग लॉट में रुकाने को। तो पार्किंग लॉट में रुकाने के बाद मैं, फ्रैंकलिन, ट्रेवर, हम लोग तीनों अंदर जाएंगे, चोरी करेंगे, अंदर से सब लेके आएंगे बाहर, ट्रक्स में भरेंगे, फिर निकल के भाग के आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये टनल कैसा एरिया है वहाँ पे जाके हम लोग पहले ट्रक्स को रख देंगे, फिर उसके बाद जो है वो उसको डाइल्यूट करके पैसे पे कन्वर्ट करके फिर ये पैसा हम लोग वापस रिटर्न देंगे। तो चलिए हम लोग वो लोग को भी लेके आते साथ में और फिर जाते हैं ट्रक्स में और कार्स में बैठने को। ओके, तो ये लोग गाड़ी में भी बैठ गए और हम लोग निकलते हैं, हम लोग ये लीड करने वाले लोग को। तो चलते हैं हम लोग कसिनो पे, और कसिनो का लोकेशन भी मुझे मालूम है, मुझे लेस्टर ने दे चुका है। और हम लोग भगाते हुए पहुँचते कसिनो। वैसे ये जो टास्क है हम लोग को जो दिया गया है लेस्टर की तरफ से, बहुत ज़्यादा ही टफ होने वाला है, क्योंकि ये मार्टिन मद्रासो का कसिनो, और कसिनो ऑब्वियसली मतलब उधर कैश होता है, उधर गोल्ड्स होते हैं, उधर डायमंड्स होते हैं, तो ये सब बचाने के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और वो लोग के पास तगड़ी तगड़ी गन्स भी होंगी। तो ये सब डॉच करते हुए हम लोग को वो लोग को मार के जो पैसा और ये सब हम लोग को चोरी करना है। तो चलते हैं हम लोग अभी कसिनो में, और ये लोग बहुत ज़्यादा ही रैश चला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों ये लोग को इतना क्यों गाय है भाई चोरी करने का। वैसे भी तुम लोगों को कुछ मोटिव नहीं है चोरी करने का, मुझे ही पैसे देने हैं और मुझे ही करना है, और तुम लोग को बस फ्री में मिलने वाला पैसा वैसा सब। बट कोई नहीं, ये लोग का एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मुझे भी ऐसा मोटिवेशन मिल रहा है। तो अभी हम लोग जाते हैं कसिनो में और वेट करते हैं राइट मोमेंट के लिए और अंदर घुस जाएंगे हम लोग फटाफट। ओके गाइस, तुम लोग आगे भगाते हो यहाँ पे और मुझे सिक्योरिटी भी दिख रहा है और थोड़े बहुत वीआईपी कार्स भी दिख रहे हैं। तो मैं फ्रैंकलिन, ट्रेवर और हॉन्ग को बोल देता हूँ कि यहाँ पे पार्क कर दे कार को, और फिर उसके बाद हम लोग एक राउंड मार के आते हैं, देखते कौन कौन कहाँ पे। तो लेट्स सी। ओके गाइस, तो मुझे सिक्योरिटी तो दिख रहा है और देखते अगर यहाँ से तो जाके मतलब नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं यू टर्न लेता हूँ और नॉर्मल कैसीनो में अंदर जाने के ऐसा देखता हूँ। वैसे भी मैंने मास्क पहना है तो अगर कैमरा वैमरा हुआ तो भी वो लोग हम लोग को नहीं देख पाएंगे। और फ्रैंकलिन ये लोग तो अंदर जाके रुक गए, अभी मैं देखता हूँ अगर कैप मिले तो निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, तो कैप शायद है और सिक्योरिटी गार्ड सब बहुत सारी है, मतलब वो लोग के पास सब AK-47 जैसे गन्स है। एंड ये लोग खड़े यहाँ पे, वाले खड़ा है और कसिनो का स्टाफ एक खड़ा है, तो लेट्स सी क्या सीन है। तो अभी हम लोग जाते हैं अंदर की ओर, तो मैं जाता हूँ फ्रैंकलिन, ट्रेवर और हॉम के पास और वो लोग को भी बोल देता हूँ कि भाई अंदर चलते हैं। और अंदर जाना थोड़ा बहुत टफ रहेगा, बट ये लोग को मार के हम लोग जा सकते हैं, ये जो बंदे लोग बाहर खड़े। तो फटाफट मैं जाता हूँ, कार पार्क करता हूँ जैसे ये लोग ने पार्क किया, और फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं अंदर की ओर। ओके गाइस, तो अभी हम लोग भागते हुए जाते हैं और सबको मारते फटफट फटफट। वैसे वो लोग को आइडिया भी नहीं होगा हम लोग क्या करने वाले, तो 3-2-1 चलो चलो फटफट फटफट मारते। और मैंने गलती से ये लोग को भी मार दिया बाजू में, फ्रैंकलिन को रैप करके दे दिया मैंने उसके मुंह पे, बट कोई नहीं। और कौन है यहाँ पे, एक और बंदा है, तो शायद जो बाहर के सिक्योरिटी गार्ड्स वो लोग तो खत्म हो गया। अभी फटफट मैं अंदर भागता हूँ और अंदर के सिक्योरिटी गार्ड्स को देखता हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और बंदे लोग मारना भी शुरू कर दिया हम लोग को। तो हम लोग फटाफट हम लोग अंदर जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड को मारने, और फ्रैंकलिन ये लोग उसको संभाल लेंगे ये लोग बंदे लोग को। ओके गाइस, तो सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत सारे यहाँ पे, और थोड़े बहुत को तो मैंने डाउन कर दिया अभी फिलहाल, और अभी भी और बनते हैं और सब लोग मारे जा रहे मेरे को, मारे जा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और फ्रैंकलिन और ट्रेवर तो मेरे पीछे ही है, बट क्या सीन है मुझे पता नहीं। फटफट ये लोग को भी मारते हैं और मेरे को मारे जा रहे ये लोग, मतलब थोड़ा भी रुक रहे नहीं है। ओ भाई साहब, अच्छा है मैंने आर्मर पहन के आया हूँ, और जाते ऊपर की तरफ, ऊपर से भी बहुत सारे गन शॉट्स है। और ओके, तो नाइस, वन डाउन कर दिया हम लोग ने ये लोग को सबको। ओके, तो ये वाले रूम में भी मतलब ये लोग एक्चुअल हम लोग को लोकेशन ही दे दी है ऐसा खड़े होके, तो वो फटफट मारते हैं ये लोग। फाइट करो यार, कम ऑन फाइट करो, सब लोग फाइट करो और मारो फटफट फटफट। ओके, तो शायद अंदर भी कोई है, मुझे गन शॉट तो आ रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा कहाँ से। ओके, तो फ्रैंकलिन और ट्रेवर ने भी पूरा क्लियर कर दिया पहले ही थोड़ा बहुत आके, और बाकी का तो हम लोग ने कर ही दिया, तो सबको हम लोग क्लियर कर देंगे। और ये जो बंदा है इसको शायद एक गन शॉट लगा है।
ओके सो ब्लीड भी कर रहा है थोड़ा बहुत। You getting off? ओके तो What the बहुत hell's ज्यादा that? ही ये सीन हो गया हम लोग You के साथ। trying to जो get me to साथी आया stand था by हम लोग you? का दोस्त होंग, मतलब लेस्टर ने जिसको भेजा था, वो बंदा मर चुका है अभी। और ये हम लोग के साथ मिशन में तो नहीं कर सकता अभी हाइस्ट के लिए। तो कोई नहीं, अभी हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं गोल्ड वोल्ड किधर है। और ओके तो Damn. यहाँ पे बहुत सारे पैसे और गोल्ड है, और यहाँ पे भी गोल्ड है बट और पैसे होने चाहिए थे, कैश Oh, पता नहीं excuse कहाँ me. पे। ओके तो और शायद और कोई रूम में अंदर की तरफ, या फिर ओके तो यहाँ पे इतना सारा पैसा है। ओ भाई साहब, ये तो हम लोग को यही, ये सिर्फ ये वाला क्रेट ही हम लोग को पूरा अमीर बना देगा। और दो तीन कॉइन सैक ले सकते वैसे पैसे में। Jesus. वैसे इधर भी पैसा और इधर भी पैसा और इधर गोल्ड है। ओके तो बहुत सारा ही है। वैसे ये सब गोल्ड हम लोग बेचेंगे ना, बहुत ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। और ये जो कैश है ये सब भी हम लोग को मतलब अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और मेरा तो कट ज़्यादा रहेगा क्योंकि मेरे वजह से ये पूरा हाइस्ट हुआ और मैंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया है लोग को मारने में। तो वो सही है, वैसे बंदे लोग सबको तो मैंने डाउन कर दिया फिलहाल। Moron. ओके तो अभी हम लोग बाहर जाके देखते हैं कि सब बंदे लोग भी मर गए कि नहीं। तो फटफट मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ। ओके गाइस तो आई गेस सब मर गए, शायद एक आध सिक्योरिटी गार्ड छुपे हो सकते हैं, तो मुझे केयरफुल होके जाना पड़ेगा। और अंदर भी कोई भी नहीं है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भाग गया है क्या मतलब? ओके तो यहाँ से डोर है बट ये लॉक्ड है क्या? ओके ये फिंगरप्रिंट लॉक्ड है, मतलब फिंगरप्रिंट नहीं है बट पिन वाला लॉक है। और शायद हम लोग तोड़ के भी इसको अंदर नहीं आ सकते क्या? ओके तो शायद इसका एंट्री एक्सेस ही नहीं है अभी हम लोग के पास। और यहाँ पे से बंदा पता नहीं भाग गया है क्या है, और क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स है, वहाँ पे भी कैश होते हैं थोड़े बहुत। जो टोकन्स वोकन्स यहाँ से लेते हैं ना तो वो कैश जमा करते हैं। तो आज का जो भी कैश है और उसका 50% या 25% उसमें रहेगा। तो अभी पता नहीं उधर कैसे पहुँचते। वैसे बाकी सब बंदों को तो मार दिया। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पैसा जीतेगा मतलब जैकपॉट वैकपॉट मिलेगा, तो वो लोग को ऐसा कि ये जो कार है ये मिलता था बट अभी उनके नसीब में तो नहीं है। मैं एक काम कर लूँगा, फ्रैंकलिन को बोल के ये जो कार है पिक करने के लिए भेज देता हूँ वापस। अभी हम लोग जाते हैं, अभी पैसा जो है वो सब लोड करते हैं ट्रक में। अभी हम लोग का जो साथी है हॉन्ग वो तो मर चुका है, तो उसके बदले में हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग का जो एक मसल मसल कार कार जो है है उसको यहाँ पे छोड़ देंगे। और जो बाकी के दो ट्रक्स और एक मसल कार है, मसल कार में मैं बैठ जाऊँगा और फ्रैंकलिन और ट्रेवर को बोल दूंगा कि वो जो ट्रक्स है उसमें लेके आ जाने को पैसे और गोल्ड्स। तो अभी मैं चलता हूँ फटाफट ऊपर की तरफ और पैसे गोल्ड सब लेके गाड़ी में डालता हूँ और निकलते फिर उसके बाद। ओके गाइस तो पैसा और गोल्ड हम लोग ने ट्रक्स में भर दिया है। अभी फ्रैंकलिन और ट्रेवर गाड़ी में भी बैठ गए, तो अभी फटाफट निकलते हैं। वैसे ये कार को हम लोग को डिच करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का जो बंदा आया था ऑब्वियसली वो मर गया। तो अभी निकलता हूँ मैं फटाफट से। फ्रैंकलिन और ट्रेवर का मैंने दूसरा रास्ता बोल दिया है और मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगा क्योंकि अभी अलार्म बजना शुरू हो गया, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग भी प्रॉब्लम में आ जाए। तो मैं फटाफट भगाता हूँ यहाँ से। ओके गाइज तो मैं थोड़ा आगे आया और मेरे को मेरे पीछे में सब पुलिस वाले पड़ गए। अभी मेरे को भगाते हुए निकालना पड़ेगा और ये लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब पीछे पड़े, और चार स्टार पुलिस पड़ी है वैसे भी, मतलब ऐसा नहीं कि एक या दो स्टार। वो लोग को पता भी कैसे चला मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। और क्योंकि हम लोग ने जो कैमरास था उसको भी हैक कर दिया था और फिर भी समझ में नहीं आ रहा। और बाप रे मैं कैसे भगाऊँ। अच्छा है कि हमारे पास मसल कार है तो उसके वजह से हम लोग बच गए थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ से हाईवे की ओर निकालता हूँ ताकि हम लोग वो लोग को चकमा दे के निकल सके, बट थोड़ा बहुत टफ पड़ने वाला क्योंकि यहाँ पे हाईवे पे भी आगे बंदे। अरे भाई साहब अभी मैं कहाँ से ही निकालूँ गाड़ी, यहाँ पे तो वेट ही कर रहे हैं मेरे लिए। अभी मैं आई गेस तो ना यहाँ से एक ब्रिज ऊपर जो जा रहा है वहाँ पे मैं चढ़ जाऊँ। ओके तो ये बंदा हम लोग का वेट करते करते उधर ही रुक गया, तो और मैं यहाँ से जंप मार लेता हूँ। और ओ भाई साहब सही है सही है, कोई नहीं हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे अभी। बट यहाँ पे पुलिस वाले हम लोग भी मारते हैं लोग को थोड़ा बहुत, बट बहुत ज़्यादा ही टफ है ये लोग को मारना। ओके तो मैंने एक को तो डाउन कर दिया और ये लोग को भी मार दिया हूँ। ओ भाई नहीं 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 पलटना नहीं पलटना नहीं। ओके तो फटाफट भगाते हैं। वैसे फ्रैंकलिन और ट्रेवर दूसरे रास्ते से गए और ओके मेरे को लगा कोई और लटक रहा है वहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फटाफट फटाफट भगाते। वैसे कार थोड़ा बहुत स्पीड तो है बट ये पुलिस का कार जो है ना बहुत ज़्यादा ही फास्ट। और ये लोग लेफ्ट राइट क्यों कर रहे भाई, मत करो। मैं मारने का कोशिश करता हूँ ड्राइवर को बट लग रहा नहीं है। ओके 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 एक को लगा, एक को लगा बट पता नहीं वो ड्राइवर को लगा कि साइड वाले बंदे को लगा। और ड्राइवर को, ओके ड्राइवर को भी लग गया वैसे। अरे भाई साहब मैंने आगे ही नहीं देखा और आगे भी बंदा था। ठीक है तो मैंने इसको भी डाउन कर दिया और वो उसका गाड़ी उधर ही रुक गया।
तो फटाफट भगाता हूँ। अभी एक ऐसी जगह पे भगाना पड़ेगा जहाँ पे पुलिस बहुत कम है, मतलब थोड़ा अंदर की तरफ भगाएंगे ना थोड़ा सही रहेगा। और ओके गाइस, तो मैं भगाते हुए थोड़ा बहुत आगे, और जो मतलब वांटेड लेवल है थोड़ा बहुत कम हो गया है, 2 स्टार हो गया है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत जो पुलिस वाले उन लोग को मार के हम लोग ने स्लो कर दिया। अभी ये जो पीछे आ रहा है मैं इसको भी रुक के ज़रा बजा देता हूँ ताकि वो आए ना हम लोग के पीछे। और ठीक है, तो मैंने ड्राइवर को तो मार दिया है, बट ये लोग एक एक बार क्या करते हैं, ड्राइवर मरते ये लोग जो ड्राइवर है उसको बाहर धकेल के दूसरा वाला बंदा चलाने लग जाता है। तो आई होप ऐसा ना हो अभी, तो फटाफट भगाते हैं जितना हो सके उतना मैं कम पुलिस करने का देखता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मैं भगाते हुए आ गया और बारिश भी रुक गया और पुलिस भी चले गए हम लोग से दूर। और गाड़ी की जो हालत है ना, मतलब ये जो गाड़ी का हालत है ना, ये चलने लायक अभी बची नहीं है, हर जगह से पिचक गया है। अभी मैं जाता हूँ लेस्टर के वेयरहाउस में, मतलब उसके गारमेंट फैक्ट्री में, और कार को ड्रॉप करता हूँ और फिर जाऊँगा अपने घर पे, थोड़ा बहुत आराम करूँगा, इतना फाइट करके थक गया हूँ ना अभी, क्या ही बोलूँ। और जो गोल्ड और कैश है वो शायद उधर पहुँच गया होगा अभी तक, क्योंकि हम लोग ने पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करके हम लोग की तरफ बुला लिया था, और ट्रेवर और फ्रैंकलिन गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँच गए थे, आई गेस तो पहुँच गए होंगे, अभी जाके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो अभी मैं भगाते हुए जाता हूँ लेस्टर के घर पे, मतलब उसके वेयरहाउस में, और जाके देखते हैं वहाँ पे आए कि नहीं आए। ओके गाइस, तो मैं भगाते हुए आ गया लेस्टर के कार्बन फैक्ट्री में, और ये कार जो है ना बहुत ही स्लो हो गया, मतलब चलने का हालत में भी नहीं है। तो कार को यहाँ पे पार्क करते था, जो अभी जंकयार्ड चले जाएगा शायद, जो स्क्रैप पे चले जाता है और उसको पिचका जाता है तो उसमें चले जाएगा। और हम लोग का जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और इतना बिंदास छोड़ के ये लोग गायब भी हो गए, कोई सिक्योरिटी नहीं कुछ भी नहीं, मतलब इतना सारा सोना और पैसा उसमें, वो लोग को कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके लिए। तो अभी जाके बात करते, शायद ऑफिस में ही होंगे, तो वो लोग को बोल देता हूँ भाई गाड़ी एक सेफ जगह पर जाके छुपा दो, तो लेट्स सी क्या होता है। ओके गाइस, तो बात हो गया मेरा लेस्टर ये लोग सबसे, मतलब फ्रैंकलिन ट्रेवर से भी, और वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो पैसा है ये तो अभी डिवाइड करके दे दूंगा थोड़े टाइम में, घर पहुंचा दूंगा, बट ये जो गोल्ड है इसको थोड़ा टाइम लगेगा पैसे पे कन्वर्ट करने का, क्योंकि गोल्ड थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, और अभी जस्ट हाइस्ट हुआ है यहाँ पे, तो सबको समझ आ जाएगा कि हम लोग ने चोरी किया। तो कोई नहीं, अभी हम लोग को पैसा मिलते ही हम लोग लेके जाके दे देंगे डेविन को, और तब तक वेट करना पड़ेगा। तो लेस्टर ने बोला है कि वो कॉल करेगा जैसे ही उसका सब कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे डेविन के पास। तो अगर आप लोग ने इतना सब वीडियो देख लिया तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो हिट द बेल आइकन एज वेल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।